जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ये बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए जिससे कि आपको नजर लग सकती है, इससे हमारी कई सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो वो कौन सी बातें हैं, इस वीडियो में हम उन पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं या कोई आप मेरी मदद चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के, तो प्लीज आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, तो होता ऐसा है कि हम कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं, कुछ चीजें ऐसी बता देते हैं जिससे कि हमारी परेशानियां खड़ी हो जाती है। वो कौन सी बातें हैं, ये 3 मिनट की वीडियो में आप जान पाएंगे और अगर आप इन्हें कैसे सही कर सकते हैं ये भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसे जानने के बाद आपकी शायद कई सारी परेशानियों का अंत हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए और कई सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ हमेशा रहे। तो हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में लिखे जय श्री शंभू, हर हर महादेव, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और कुंडली का विश्लेषण यदि आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चली रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले और फिर आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो है दोस्तों हमारा धन। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि धन जब भी पब्लिकली हो जाता है हमें बिल्कुल सरकार को बताना चाहिए, प्रॉपर इनकम टैक्स भरना चाहिए, वो अलग विषय है। पर हमें हमारे आसपास पड़ोस, जो समाज, जात, बिरादरी, जो भी हमारे एक पूर्व दायरा होता है, वहाँ हमारे पास धन के बारे में, चाहे कम हो ज्यादा हो जो भी हो, पर हमारे आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं पता होना चाहिए। मतलब नहीं पता होने से सीधा सा मतलब है कि अगर व्यक्ति के पास धन होता है और लोगों को पता लगता है कि उनके पास धन है, तो वो अपने झूठे बहाने करके आपकी जो अच्छाई है उसका मिसयूज